की तैयारी के लिए इस वक्त मैं अलियाबाद आई हुई हूँ और गर्म कपड़ों की शॉपिंग कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मौसम ऐसा है कि धूप निकल आए तो सही लगता है, लेकिन जैसे ही बादल आ जाए, बारिश हो जाए तो सर्दी ज़्यादा हो जाती है और मुझे लगता है कि अब मुझे गर्म कपड़े अच्छे वाले खरीद ही लेने चाहिए। इस वक्त मुझे जो सबसे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगी है वो है ये जुराबें। जुराबे मुझे बहुत पसंद है और मेरा उनके बगैर गुजारा नहीं है, और मुझे हुंजा में सर्दी गुजारने के लिए कोई हैवी ड्यूटी किस्म की बहुत ही गर्म जुराबे चाहिए जो कि मुझे मिल गई हैं। ये देखें, मतलब देख के ही आपकी सर्दी भाग जाती है। इन जुराबों के अंदर बकायदा फारसी लगी हुई है और दे आर सो नाइस एंड क्यूट एंड फ्लफी एंड सॉफ्ट and they are in these amazing colors. मतलब देखें कितने मजे के सर्दियों वाले रंग हैं ये। अब इसमें से मैं कुछ जोड़े पसंद करके लेके जाऊंगी। एक और जो चीज़ मुझे यहाँ पे पसंद आई है वो ये है जो कि मैंने पहनी हुई है, इसके साथ ये इट्स काइंड ऑफ अ हुडी, इसके साथ ये टोपी भी है एंड आई थिंक इट्स रियली नाइस क्यूट एंड वार्म। कपड़ों में मैं ये देख रही हूँ कि वो देखने में भी अच्छे हों, स्मार्ट हों, कीमत भी अच्छी हो और गर्म भी हो, मुझे ये तीनों चीज़ें एक साथ चाहिए। अब एक और जैकेट मुझे पसंद आई है, मैं आपको वो दिखा दूँ। दूसरी जैकेट जो मुझे पसंद आई है वो है ये, और अगेन कीमत भी अच्छी है, स्टाइलिश भी है और गर्म भी है। आप बताएं पहाड़ों में सर्दी गुजरेगी या नहीं? अच्छा सच पूछा तो यहाँ पे इतनी अच्छी चीज़ें हैं कि मेरा दिल कर रहा मैं ज़रा ज़रूरत से ज़्यादा ही शॉपिंग कर लूँ, लेकिन मैं अपने हाथ को रोक के रखूँगी। और दूसरी चीज़, मैंने बच्चों के लिए गर्म कपड़े लेने हैं, लेकिन मैं अपने जैकेट्स और उन्हीं में खो गई हूँ और बच्चों की चीज़ें मैंने अभी तक कोई नहीं ली, तो मैं ये वीडियो बंद करूँगी और ज़रा बच्चों की चीज़ों पर तवज्जो दूँगी। और कमिंग बैक टू द सॉक्स, मैं दुकान से जुराबे लिए बगैर जा रही थी, कमिंग बैक टू द सॉक्स, सारी जुराबे इतनी क्यूट है, इतनी फ्लफी है, गर्म है, समझ नहीं आ रहा कौन सा कलर चूज करूँ, कौन सा कलर छोड़ूँ, और ये बोरी भरी हुई है इन जुराबों से। दिस वन मुझे ये पसंद आई है, लेकिन इसका दूसरा जोड़ा नहीं मिल रहा। बात सुने, इसका दूसरा होगा इसमें, क्योंकि इसका कलर बहुत अच्छा है। हाँ, इतना प्यारा कलर है, ये खरीद लो। ठीक है, उमर कह रहा है ये खरीद लें। अच्छा ये वाली तो खैर मैंने पसंद कर ही ली है, और ये पूरा जोड़ा है। ये वाली देखो, इस पे कोई जानवर बना हुआ है। अच्छा बच्चे कह रहे हैं ये ले लो, बच्चे भी एक्साइटेड हो रहे हैं जुराबों को देख के। ये भी इतनी सारी ले लूं। अच्छा एक सेकंड, ये और ये भी, ओए ये भी रेड वाली भी ले लेती हूँ। हाँ इसका भी, ये भी पूरा जोड़ा है ना, इसके साथ दूसरी लगी हुई है, ये दो ले लो। हाँ एक्सक्यूज मी, बात सुने, ये इस तरह की जुराबों में बच्चों की आएंगी? बच्चों की जुराबे ऐसे चल इस तरह के जो है, ये मोटी मोटी? हाँ बिल्कुल आएंगे। अच्छा ये भी ले लूँ? ठीक है। मैं इस वक्त अलियाबाद आई हुई हूँ और
यहाँ से मैंने अभी गर्म कपड़ों की शॉपिंग की है, तो मैंने कहा मैं थोड़ा आपको अपनी ज़िंदगी के बारे में बता दी जाऊँ। यहाँ बेसिकली मैं एटीएम इस्तेमाल करने आई थी। ये हम लोगों का मेन बाजार है, मुंजा नगर के बहुत सारे गाँव के लिए मेन बाजार है। अल्तेज जिधर मैं रहती हूँ वहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं, सब्ज़ी मिल जाती है, नमक ख़त्म हो गया, कुकिंग ऑयल ख़त्म हो गया, वो मैं आसानी से ले सकती हूँ। लेकिन उसके अलावा बाकी तमाम चीज़ों के लिए बैंक का काम है, एटीएम का काम है, उसके लिए मुझे अलियाबाद ही आना पड़ता है। आज मैं बेसिकली एटीएम के लिए आई थी, लगे हाथों मैं दुकान पर गई तो मुझे गर्म कपड़े भी अच्छे लगे, मैंने वो भी ले लिए। और इस तरह का आना हफ्ते में एक दफ़ा अलियाबाद का चक्कर लग ही जाता है। यहाँ से ज़रूरियात ज़िंदगी की हर चीज़ मिल जाती है। मैं ज़रा एटीएम से होके आती हूँ। अलियाबाद अर्पित से कोई 10-15 मिनट की ड्राइव पे है। यहाँ आने में मुझे कोई मुश्किल नहीं होती, पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी चलती है, टैक्सीज भी हैं। मैं फ़िलहाल पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि इस वक्त मेरे पास मुंजा में अपनी गाड़ी नहीं है। और इस वजह से आज का व्लॉग इतना ही था। इस चैनल पर मेरे साथ रहिए, खुदा हाफिज़। अच्छा, जिस दिन मैं यूँ घर से बाहर निकलूँ किसी लंबे काम के लिए, तो उसके बाद घर जाके खाना पकाने की हिम्मत नहीं होती, इसलिए मैं इस होटल से खाना लेके जा रही हूँ। और बड़ी अच्छी खुशबूएं आ रही हैं यहाँ से, बहुत ही टेंटिंग खाना लग रहा है मुझे इनका। मैंने ये दाल गोश्त ऑर्डर किया है, बहुत ही मज़े का लग रहा है, साथ में गरम गरम रोटियाँ हैं, वाह।